हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे इसका का चैप्टर 5। फ्रेंड्स, ये चैप्टर, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये बहुत हार्ड लगता है, कोई लोग इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है। इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन आप मेरे साथ में इसको रीड करो, आपको हर एक कंसेप्ट समझ आएगा। बस आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो और उससे हाथों हाथ उसको स्टडी मैट से रीड कर लो, तो आपको इसके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी लैंग्वेज में चैप्टर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक रोड मैप देखा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम जो ये फर्स्ट फेज आता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा आज हम रीड कर लेंगे। ये रीड करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली, आगे उसको जानना ज़रूरी है ताकि आपको आगे हैं वो उससे कोई दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं उस जनरल टर्म्स को जानना। फर्स्ट होती है आईटी स्टीयरिंग कमेटी। अभी स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, मैं सिंपल वर्ड बोलूँ तो जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, जो ये टॉप मैनेजमेंट होता है और जो आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट होता है, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके और स्टीयरिंग कमेटी बना दी जाती है। फिर स्टीयरिंग कमेटी क्या करती है, आईटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करती है और आईटी से रिलेटेड प्लान बनाती है। मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है या डेवलप करना है या एक्सपेंड करना है या कोई नई टेक्नोलॉजी अपनानी है, तो उस केस के अंदर जो स्टीयरिंग कमेटी है इसकी अप्रूवल चाहिए होती है। और अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, वो स्टीयरिंग कमेटी की होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आईटी स्टीयरिंग कमेटी अ कमेटी कंप्राइज ऑफ टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम द बिजनेस एंड आईटी टू प्लान एंड मॉनिटर द आईटी एक्टिविटीज़। दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आईटी एक्टिविटीज़ टू BOD। तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी आपको समझ में आ गया होगा कि किसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन हु गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द एंड यूज़र। तो ये सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है कि जो एंड यूज़र है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो एंड यूज़र के लिए ये बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, प्रपोज सिस्टम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उन सबको एनालाइज करने का काम जो करता है उसको बोलता है सिस्टम एनालिस्ट। तो ये जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन दोनों स्टेज पर जो काम करता है उसको बोलता है सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट आता है सिस्टम डिज़ाइनर। अ पर्सन हु क्रिएट द ब्लू प्रिंट फॉर द यूज़र बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। स्टेज 3 के अंदर जो डिज़ाइनर होता है वो क्या काम करता है, ब्लू प्रिंट बनाता है। जैसे किसी घर को बनाने से पहले हमें उसके मैप की ज़रूरत होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले एक ब्लू प्रिंट होना चाहिए। मतलब कौन कौन से सिस्टम होंगे, उसके अंदर कौन कौन से सब सिस्टम होंगे, उन सब सिस्टम के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, वो सब जो डिज़ाइनिंग का काम है वो ये डिज़ाइनर करता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम डेवलपर एंड प्रोग्रामर। डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर द यूज़र, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कोडर। ये सिस्टम डेवलपर और प्रोग्रामर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को एक्चुअल डेवलपमेंट का काम ये लोग करते हैं, मतलब कोडिंग का काम करते हैं, इनको कोडर भी कहा जाता है। तो जो डेवलपमेंट एक्विजिशन है इसके अंदर जो काम करता है उसको बोलता है सिस्टम डेवलपर। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजर एंड लीडर। प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज द मल्टीपल प्रोजेक्ट, वेयर एज द प्रोजेक्ट लीडर लीड्स द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लीडर रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये बोल रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये मल्टीपल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे हैंडल करता है, जबकि जो ये प्रोजेक्ट लीडर होता है वो किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को लीड करता है। तो जो प्रोजेक्ट लीडर होता है वो रिपोर्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो इस तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आती है स्टीयरिंग कमेटी, फिर आती है प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उन सबके मैनेजर, देन प्रोजेक्ट लीडर्स जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लीडर, देन एनालिस्ट डेवलपर एंड डिज़ाइनर। तो जनरल टर्म्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। कौन कौन से काम हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डिलिंकेशन ऑफ द स्कोप, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी, रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। फिर इसके अंदर भी 3 काम करने होते हैं। क्या क्या है, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड व्हाइल स्टेटिंग द स्कोप, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द स्कोप, 2 प्राइमरी मेथड टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द स्कोप। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम इसको स्टडी मैट से रीड करेंगे हमारे, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी।
फ्रेंड्स सच में बहुत इजी चैप्टर है ये, आप बस इसको ध्यान से सुनिए। तो हम स्टडी मैट से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड प्रिसाइजली। Which one is done only after the critical study of the existing system and several round of discussion with the user group. ये बोल रहा है एक मिनट फ्रेंड्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड प्रिसाइजली। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि हमें डिफाइन करना होता है प्रॉब्लम को, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियरली डिफाइन करना होता है। विच इज़ डन ओनली आफ्टर द क्रिटिकल स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन विद द यूजर ग्रुप। तो ये हम डिफाइन कब कर पाएंगे, जब हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी क्रिटिकल स्टडी को स्टडी करेंगे और जो यूज़र है जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में डिस्कस करेंगे, तभी हमें पता लग पाएगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर। देन इट्स प्रिवलेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी असेस्ड। इसके बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, ये देखेंगे, क्योंकि उस जितना क्रिटिकल होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके लिए। अ प्रॉब्लम हैज़ considerable impact on the organization is likely to receive the immediate management attention। मतलब अगर कोई existing system में ऐसी problem है जिससे organization पर बहुत considerable impact हो सकता है तो management को चाहिए कि वो उसको immediate attention दे और उसके लिए जो नया software develop करना है या उसी software को सही करना है तो वो decision लेने होते हैं। User involvement will also be high if there is convinced that the proposed solution will resolve the problem। अगर जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसके लिए कोई यूज़र इन्वॉल्वमेंट विल आल्सो बी हाई इफ़ दे आर कन्विंस्ड दैट प्रपोज सॉल्यूशन विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब अगर हमारा प्रपोज सॉल्यूशन है, मतलब जो हमने डिसाइड किया है कि हमें क्या नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। यूज़र कौन होता है, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो उसका यूज़र होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर से वो जो यूज़र होते हैं वही होते हैं। जब वो इन्वॉल्व होंगे तभी हम अच्छे से देख पाएंगे कि उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है और प्रपोज सिस्टम कैसा होना चाहिए। और जो यूज़र है वो कन्वेंस कर ले अगर जो मैनेजमेंट है उसको कि प्रपोज सिस्टम है उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उस केस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो उसे उसके लिए इमीडिएट एक्शन ले लेता है। इसलिए जो यूज़र हैं वो अगर उनकी कन्वेंसिंग पावर अच्छी होगी तो जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसके लिए मैनेजमेंट का अटेंशन इमीडिएट मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस पर्सनल इन द फंक्शनल एरिया में फील दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ आउटडेटेड और अ मैनेजर माइट वॉन्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक न्यू इन्फॉर्मेशन ही क्लेम्स विल लीड टू बेटर डिसीजन। ये बोल रहा है अगर कोई फंक्शनल एरिया का कोई पर्सन है उसको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका जिस पे वो काम कर रहा है वो आउटडेटेड हो चुका है और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि स्पेसिफिक न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो डेवलप करना चाहिए जिससे कि बेटर जो डिसीजन लिए जा सके। शिफ्टिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट एंड इवॉल्विंग द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेंडर टू द सिस्टम इफेक्टिव और इनएफिशिएंट। ये बोल रहा है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स में चेंज होने से या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में चेंज होने से या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होने से हो सकता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इनएफेक्टिव हो गया हो या फिर इनएफिशिएंट हो गया हो। वॉट एवर मे बी द रीज़न द मैनेजर एंड यूज़र मे फील कंपेल्ड टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू सिस्टम टू द IS डिपार्टमेंट।
इनमें से कोई भी रीज़न हो तो जो यूज़र है और जो मैनेजर है वो मिलके आईएएस डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे कि उनको नया सिस्टम है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। इफ़ द नीड सीम्स जेन्यून और सिस्टम एनालिस्ट इज असाइन टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हु सबमिट ऑल द प्रपोजल टू द स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इवेल्युएशन टू आइडेंटिफाई दोज प्रोजेक्ट दैट आर मोस्ट बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि जो यूज़र है और जो मैनेजमेंट है उनकी अगर रिक्वेस्ट है वो जेन्यून लगती है तो एक सिस्टम एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। हमने जनरल टर्म्स में पढ़ा था सिस्टम एनालिस्ट वो होता है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर यूज़र के लिए एनालिसिस का काम करता है। तो इसमें सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे प्रपोजल और इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा और सबमिट करेगा सारे प्रपोजल स्टीयरिंग कमेटी को फॉर द इवेल्यूएशन टू आइडेंटिफाई दोज प्रोजेक्ट दैट आर मोर बेनिफिशियल। मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब 3 या 4 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे उस स्टीयरिंग कमेटी को सबमिट करेगा। फिर जो स्टीयरिंग कमेटी है वो इवेल्युएट करेगी और देखेगी कौन सा ऑप्शन है वो मोर बेनिफिशियल है। द एनालिस्ट वर्किंग ऑन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुड accomplish द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो एनालिस्ट वर्क करेगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का वो क्या क्या देखेगा, क्लैरिफाई एंड अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। वो देखेगा कि जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आई है, मतलब जिसने यूज़र ने जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट दी है वो क्लैरिफाई करेगा और उसको समझेगा। डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका साइज कितना है ये देखेगा। डिटरमाइन द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ द ऑल्टरनेटिव अप्रोच। टेक्निकल फिजिबल है या नहीं, ऑपरेशनल फिजिबल है या नहीं ऑल्टरनेटिव अप्रोच, वो चेक करेगा। असेस द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ द ऑल्टरनेटिव अप्रोच, जो भी ऑल्टरनेटिव अप्रोच है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, मतलब उसमें कितनी कॉस्ट आएगी और उसके कॉस्ट लगा के मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया तो उससे क्या क्या बेनिफिट अराइज होंगे। रिपोर्ट द फाइंडिंग्स टू द मैनेजमेंट विद रिकमेंडेशन आउटलाइनिंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल। अब ये सब काम करने के बाद में वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देगा और आउटलाइन करेगा उन रीजंस को जिसकी वजह से उसने या तो एक्सेप्ट किया होगा या फिर रिजेक्ट किया होगा प्रपोजल को। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पर्पज ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट फिजिबिलिटी। मतलब कि अगर हम कंक्लूजन में बोले तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं उसको इवेलुएट करना। इट इज़ नाइदर अ डिज़ाइन स्टडी और नॉट इट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ द डिटेल टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब अ बिजनेस सिस्टम, रादर इट रिलेट्स टू कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट परमिट द कमिटी मेम्बर टू इवेल्युएट द मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट एंड मेक अ इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। ये बोल रहे हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का काम क्या होता है, इवेल्युएट करना कि प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। इसमें कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती, ना ही इसमें कोई डिज़ाइनिंग का काम होता है। इसमें जो केवल स्क्रीनिंग कमेटी है वो इवेल्युएट करके देखती है कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट है उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं एंड मेक अ जजमेंट अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फिर क्या करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी फिजिबल है या नहीं उसका जजमेंट देगी इस फेज के अंदर। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी हमने एग्जांपल में देखी थी कि जो फंक्शनल एरिया के लोग हैं वो बोल रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है वो आउटडेटेड हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या थी, आउटडेटेड सिस्टम। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इट इज़ ईजी टू वर्क आउट एंड प्रिसाइजली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन। मतलब एक बार हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम तो उसके बाद में हमारा काम इजी हो जाता है कि हम प्रिसाइजली स्पेसिफाई कर पाए कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट जो हम अपनाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर इंस्टांस इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एन कन्वीनियंट रिजर्वेशन सिस्टम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटेंडिंग पैसेंजर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ द रेलवे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो रेलवे है उसके लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर होते हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कन्वीनियंट नहीं था। मतलब यूज़र बहुत ज़्यादा थे तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कन्वीनियंट नहीं था यूज़र्स के लिए, वहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही थी तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम वेयर इन द इंटेंडिंग पैसेंजर कुड टुक बुक अ टिकट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन फास्टर देन द रियल टाइम। तो प्रॉब्लम तो क्या हुई कि जो पैसेंजर है बुक नहीं कर पा रही थी जो रिजर्वेशन है वो कन्वीनियंट वे के अंदर,
तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो गया सॉल्यूशन का, कि ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना कि जहाँ पर इंटरनेट जो भी यूज़र है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के टिकट बुक कर सके, जल्दी घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना ताकि वो कन्वीनियंट वे में उसको बुक कर सके फास्टर देन द रियल टाइम, रियल टाइम से फास्टर। तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आता है डेलिग्नेशन ऑफ द स्कोप। द स्कोप ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंस द टिपिकल बाउंड्रीज। मतलब अब हमें क्या करना है कि जो हमने क्या सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखा। अब हमें स्कोप डिफाइन करना होता है। अब हमें स्कोप डिफाइन करना है तो स्कोप में क्या होता है, बाउंड्रीज डिसाइड होती है कि मतलब विद इन दोज बाउंड्रीज हमें अपना सिस्टम डेवलप करना है, उसका मेन स्कोप ये होना चाहिए। तो स्कोप डिसाइड करने के लिए जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछेगा, जैसे द टिपिकल टिपिकल स्कोप डिटरमाइनिंग मे बी परफॉर्म ऑन द फॉलोइंग डायमेंशन। ये डायमेंशंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्कोप क्या होगा। सबसे फर्स्ट आता है फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। व्हाट फंक्शनैलिटी विल बी डिलीवर्ड थ्रू अ सॉल्यूशन। मतलब कि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसकी हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, उसके बेसिस पर उसका स्कोप डिफाइन होगा। डेटा टू बी प्रोसेस्ड, डेटा इज रिक्वायर्ड टू अचीव दीज फंक्शनैलिटी। मतलब इन फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए, कंट्रोल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम कितना होना चाहिए, कंस्ट्रेंट क्या क्या होंगे, जैसे व्हाट आर द कंडीशन दैट इनपुट डेटा हैज़ टू कंफर्म टू। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कुछ कंडीशंस जो इनपुट डेटा को कंफर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैरेक्टर दैट अ नेम कैन हैव इन द डेटाबेस। मतलब हमने जैसे मैक्सिमम कैरेक्टर फिक्स कर दिया कि 7 कैरेक्टर हैं, वो किसी नेम के हो सकते हैं किसी डेटाबेस में, तो अगर हमने 8 कैरेक्टर अगर एंटर किए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक कंस्ट्रेंट हो गया। फिर आता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए अलग से कोई हमें हार्डवेयर, जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ इंटरफेस जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कुछ चाहिए। इज़ देयर स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट एप्लीकेशन हैज़ टू इंटरफेस विद। फॉर एग्जाम्पल, पेरोल एप्लीकेशन मे हैव टू कैप्चर फ्रॉम द अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम दैट कंपनी हैज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये बोल रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम पेरोल का एप्लीकेशन हमने डेवलप किया तो उसके लिए क्या हो सकता है कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब जैसे हो सकता है किसी बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस लगती हो जैसे थंबप्रिंट से या फिर किसी भी और तरीके से, तो दोनों सिस्टम का आपस में कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जब हम पेरोल बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कितने दिन आया, कितने दिन अब्सेंट था, तो उसके लिए दोनों के बीच में इंटरफेस क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोलते हैं इंटरफेस, तो उसके बेसिस पर ही उसका सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होगा। देन द सॉल्यूशन डेवलपर हैज़ टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ डेटा, फ्रिक्वेंसी मोड, डेटा ट्रांसफर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम डेवलपर होता है उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसमें कौन से फॉर्मेट में होगा डेटा, और फ्रिक्वेंसी मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट उसको देखने होते हैं ताकि वो देख सके कि उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन से इंटरफेस चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। रिलायबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इज मेजर्ड बाय इट एबिलिटी टू रिमेन अनकरप्टेड इन द फेस ऑफ डेलिब्रेट मिसयूज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। ये बोल रहा है कि जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें वो रिलायबल होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि डेलिब्रेट मिसयूज तो नहीं होगा जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा या फिर उसका जो डेलिब्रेट मिसयूज हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर हमें क्या रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका स्कोप उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। जैसे हमें हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर चाहिए तो उस केस के अंदर हमें कंट्रोल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग लगाने पड़ेंगे, तो उसके बेसिस पर ही हमारा स्कोप भी डिसाइड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो कंप्लीट होता है। अब ये कौन सा पॉइंट था हमने जो पहले रीड किया उसमें से, तो ये देखो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर स्कोप के अंदर हमने
क्वेश्चन टू बी आस्ड वाइल स्टडिंग द स्कोप. तो ये क्वेश्चन हमने अभी रीड किए. तो अब इसको आप याद कैसे रखोगे? सबसे पहले फंक्शन क्या होनी चाहिए. तो जो फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पर हमें डेटा चाहिए होगा. जब डेटा हम एंटर करेंगे तो डेटा के ऊपर कंट्रोल लगाने ज़रूरी है. ठीक है, कंट्रोल जब लगा देंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. परफॉर्मेंस जब अच्छी होगी तो उस केस में कुछ कंस्ट्रेंट भी अराइज हो जाएंगे. इसके लिए कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए हमारा इंटरफेस है वो रिलायबल होना चाहिए. तो आप ऐसे याद रखोगे, सबसे पहले हमारी फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पर हम डेटा डिसाइड करेंगे. डेटा एंटर करेंगे. डेटा एंटर करने के बाद में हमें डेटा पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा. कंट्रोल लगाने से हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ ही कुछ कंस्ट्रेंट है वो भी अराइज हो जाएंगे. कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए हमें इंटरफेस लगाने पड़ेंगे. जब ये सब कुछ कर देंगे तो उसके बाद हमारा जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो रिलायबल हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. नेक्स्ट आता है फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द स्कोप. तो जब हम स्कोप के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तब उस केस के अंदर हमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए. तो हम इसको बुक से रीड करेंगे. डिफरेंट यूज़र में रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन द डिफरेंट वे. ये बोल रहा है कि जो डिफरेंट यूज़र हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अलावा जो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है उसको भी डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करेंगे. कहने का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पर यूज़र है उसको इन्वॉल्व किया हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में, तो जब एनालिस्ट यूज़र से पूछेगा तो हर एक यूज़र अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करेगा प्रॉब्लम को और रिलेटेड सॉल्यूशन को. द सिस्टम डेवलपर शुड एलिसिट द नीड फ्रॉम द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर है, तो सिस्टम डेवलपर को ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर होता है, जो हमने जनरल टर्म्स में देखा था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर क्या होता है, तो सिस्टम डेवलपर को ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर प्रोजेक्ट लीडर है डायरेक्ट उससे बात करें और उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पूछे और उसके सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए वो पूछे. तो ये फैक्टर उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो डिफरेंट यूज़र्स है वो अपने डिफरेंट ओपिनियन देते हैं. नेक्स्ट आता है वाइल द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट मे बी अ मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट द एक्चुअल यूज़र मे बी फ्रॉम द ऑपरेटिंग लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर एंड यूज़र मस्ट बी इंटरव्यूड. तो हमने इस पॉइंट में देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट लीडर से बात कर सकता है डेवलपर है जो, ताकि उसको उनकी ओपिनियन मिल जाए. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर होते हैं वो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में तो जो सिस्टम को यूज़ करने वाले जो है वो एंड यूज़र है. तो ये जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको जो एंड यूज़र है उसका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, तभी उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसके बारे में पता लग पाएगा. नेक्स्ट आता है वाइल प्रेजेंटिंग द प्रपोज्ड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू क्लेरिफाई एंड क्वांटिफाई द इकोनॉमिक बेनिफिट टू द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन. ये बोल रहा है कि जब प्रपोज सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब कि सिस्टम एनालिस्ट देख रहा है कि अभी क्या प्रॉब्लम है उसका प्रपोज सॉल्यूशन क्या है, तो जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम को डेवलप कर रही है उसको ये देखना चाहिए, क्वांटिफाई करना चाहिए कि जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है वो क्या क्या होने वाले हैं जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसके बेसिस पर ही उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो वो करना चाहिए. नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो हमने इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पर, यूज़र ऑर्गेनाइजेशन पर, ये देखा, लेकिन इसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पे, रोल्स पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को. जैसे कि अगर ERP हम लगा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं. क्योंकि क्या होगा, ERP को हमने लगाया तो बहुत सारे जो पर्सनल काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको हटा भी दें, क्योंकि ERP होता है ये बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है. हमने इस अच्छे से रीड किया Chapter-2 के अंदर. तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस होंगे, इसके अलावा स्ट्रक्चर में भी चेंज होंगे, तो वो भी अंडरस्टैंड करने चाहिए.
नेक्स्ट आता है, वाइल इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ अ क्रिटिकल कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग अ सॉल्यूशन देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स टू बी वेटेज टू. दीज फैक्टर आर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ यूजर मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व. ये बोल रहा है कि क्वालिटेटिव फैक्टर शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. मतलब हमने यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर तो देख लिए कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन इसके साथ ही हमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए और उनको भी वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो उस केस के अंदर सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिकल भी इम्पैक्ट देखना होगा, साथ ही स्ट्रक्चर और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी देखना होगा. इसके अलावा कुछ अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ यूज़र मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व. यूज़र और मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो हमें उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए. तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट होता है. तो आगे ये मेथड्स दे रखे हैं, टू प्राइमरी मेथड विद हेल्प ऑफ विच द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी एनालाइज्ड गिवन एज फॉलोज. ये बोल रहे हैं कि दो फैक्टर्स को यूज़ करके और हम स्कोप को देख एनालाइज कर सकते हैं. दो मेथड हो सकते हैं, पहला तो रिव्यू ऑफ द इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़. मतलब कि जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको स्कोप के बारे में पता लगाना है और जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इन सब बातों का पता लगाने के लिए एक तो वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता है या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है. द एनालिस्ट कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन और अफेक्टेड बाई द प्रोजेक्ट. ये बोल रहे हैं कि जो एनालिस्ट है उसको ये देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट वो तैयार करेगा उसमें उससे जो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी और जो इन्वॉल्व होगी उसके बारे में फर्स्ट उसको ये ट्राई करना चाहिए कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करें और उसका नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पूरा ऑपरेशंस क्या है उसके बारे में समझें. फॉर एग्जांपल, टू रिव्यू अ इन्वेंट्री सिस्टम प्रपोजल एन एनालिस्ट ट्राई टू नो द हाउ डज द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ऑपरेट एंड हु आर द मैनेजर एंड सुपरवाइजर. ये बोल रहा है जैसे किसी इन्वेंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको ये देखना चाहिए कि हाउ डज़ द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ऑपरेट. जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है और वहाँ कौन कौन से मैनेजर और सुपरवाइजर हैं, मतलब कौन कौन सी प्रोसीजर्स होती हैं वहाँ पर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में, उसके मैनेजर कौन है, उसके सुपरवाइजर कौन है. एनालिस्ट कैन यूज़ एंड लर्न दीज एक्टिविटी by examining the organization chart and studying the written operating procedure. तो वो organization charts को देख कर या फिर written operating procedure हो सकती है किसी organization की, उनको देख कर ये सब पता लगा लेगा. Next आता है conducting the interviews. Written document tell the analyst how the system should operate, but may not include the enough detail to allow decision to be made about the merits of system proposal. Nor do they present user view about the current operation. Written document देखकर जो analyst होगा वो ये तो पता लगा लेगा कि how the system should operate. मतलब जो system बना रहा है उसका operation किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है procedure कौन कौन सी हो रही है, तो उसके accordingly वो system develop करना है उसको. तो उसको ये तो पता लग जाएगा कि जो system develop करेगा उसको कैसे operate करना चाहिए, but दे मे नॉट इंक्लूड द इनफ डिटेल. लेकिन वो हो सकता है कि जो रिटर्न प्रोसीजर है वो इनफ डिटेल ना दें, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल यूज़र हैं वो इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको डिसीजन लेने के लिए और क्या मेरिट्स होगी किसी प्रपोज सिस्टम की, तो उसके लिए प्रेजेंट यूज़र है, उनके व्यूज़ ज़रूरी है करंट ऑपरेशन के बारे में. टू लर्न दीज डिटेल एनालिस्ट यूज द इंटरव्यू अलाउ द एनालिस्ट टू नो मोर अबाउट द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट एंड रीज़न फॉर सबमिटिंग इट. तो जो एनालिस्ट होगा वो क्या करेगा कि इंटरव्यू लेगा यूज़र का और मैनेजमेंट का, उससे उसको अच्छे से पता लग जाएगा इन डिटेल कि प्रपोज सॉल्यूशन से क्या मेरिट्स है और एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो दो मेथड्स होंगे, एक तो होता है रिव्यू ऑफ द इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू. तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है. तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक पढ़ लिया,
सबसे पहले हमने ये देखा क्वेश्चन कौन कौन से पूछने चाहिए, फिर स्कोप को डिफाइन कैसे करेंगे, और फिर टू प्राइमरी मेथड टू गैदर द इंफॉर्मेशन, स्कोप तो रिव्यू एंड इंटरव्यूज़। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, डिफरेंट यूज़र प्रेजेंट द प्रॉब्लम इन द डिफरेंट वे, क्लियरली क्वान्टिफाई द इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो एक तो ये हो गया कि डिफरेंट व्यू होते हैं, हर एक के डिफरेंट ओपिनियन होती है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। फिर हमें तीन इम्पैक्ट देखने होते हैं, एक तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखना होता है, एक जो अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो देखने होते हैं। अब इकोनॉमिक बेनिफिट देख लिए और अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स देख लिए, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएंगे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होंगे, तो वो भी देखना होता है। तो तीन तो होंगे इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट के पॉइंट, और एक हो गया हर एक यूज़र का अपना अलग ओपिनियन होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये देखना होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिजिबल है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिबिलिटी स्टडीज़ करनी होती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, शेड्यूल टाइम, रिसोर्सेज, ऑपरेशनल, बिहेवियर एंड लीगल। तो इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है, फ्रेंड्स जस्ट याद रखने के लिए है, और राखी के बॉयफ्रेंड को उसकी मेकअप की कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिकल लॉस्ट हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे, राखी मतलब रिसोर्स, बॉयफ्रेंड का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और बॉयफ्रेंड किस लिए होता है, फाइनेंस का। फ्रेंड्स जस्ट याद रखने के लिए है ये, उसकी मेकअप की कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल, लॉस्ट से एल से लीगल, ओ से ऑपरेशनल, एस से शेड्यूल एंड टी से टेक्निकल। तो इसकी मेमोरी टेक्निक बन गई, राखी के बॉयफ्रेंड को उसके मेकअप की कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिकल लॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। इट मे ट्राई, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है उसके अंदर जो एनालिस्ट है उसको असर्टेन करना होता है कि टेक्निकली वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, प्रपोज सॉफ्टवेयर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल है या नहीं, टेक्निकल फिजिबल है या नहीं। तो उसको ये क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, उससे वो पता लगा लेगा कि वो टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द नेसेसरी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टू डू व्हाट इट सजेस्टेड। मतलब अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इतनी अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट है क्या कि जिससे हम प्रपोज सॉल्यूशन है वो लगा सकें, मतलब जो प्रपोज सिस्टम हम डेवलप करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो उसको सपोर्ट कर देगी क्या। सेकेंड, डज द प्रपोज इक्विपमेंट हैव द टेक्निकल कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा रिक्वायर्ड टू यूज़ द न्यू सिस्टम। ये बोल रहे हैं कि जो प्रपोज इक्विपमेंट हैव अ टेक्निकल कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा रिक्वायर्ड टू यूज़ द न्यू सिस्टम। मतलब जो नया सिस्टम है उसमें जो प्रपोज इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इतनी टेक्निकल कैपेसिटी होगी क्या कि वो होल्ड कर सके जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको। मतलब जो भी इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो जो डेटा रिक्वायर्ड है किसी न्यू सिस्टम के लिए उसको होल्ड करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, टेक्निकली कैपेबल है या नहीं वो देखना होगा। नेक्स्ट आता है, कैन द प्रपोज्ड एप्लीकेशन बी इम्प्लीमेंटेड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो प्रपोज्ड एप्लीकेशन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके लिए अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो एडिक्वेट है कि नहीं। विल द प्रपोज सिस्टम प्रोवाइड द एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ द यूज़र। ये बोल रहे हैं जो प्रपोज सिस्टम हम डेवलप करेंगे तो वो किसी इंक्वायरी का आंसर करने के लिए कैपेबल है या नहीं। मतलब अगर नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ गए या फिर लोकेशन बहुत रिमोट है तो उस केस के अंदर भी वो उस इंक्वायरी का आंसर कर देंगे क्या। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उसकी परफेक्ट होगी कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर जो यूज़र की लोकेशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंस्टेंट जो इंक्वायरी है उसका आंसर कर देगा। तो ये देखना होता है। नेक्स्ट, कैन द सिस्टम बी एक्सपेंडेड इफ़ डेवलप। अगर हमने सिस्टम डेवलप कर दिया तो उसको हम आसानी से एक्सपेंड कर पाएंगे क्या, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है क्या कि हम उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, आर देयर टेक्निकल गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेस एंड डेटा सिक्योरिटी। मतलब एक्यूरेट, रिलायबल एंड ईज ऑफ एक्सेस करने में ईजी होगा कि नहीं एंड डेटा सिक्योरिटी होगी कि नहीं, ये सब भी हमें देखना होता है। मतलब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऐसी इस तरीके से कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, रिलायबिलिटी मेंटेन रहे और एक्सेस करने में ईजी हो, इसके अलावा सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे। तो इसको ये पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ आप कैसे याद रखना। एक तो क्या है कि पहला तो यही हो गया कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर है कि नहीं।
दूसरे पॉइंट में हार्डवेयर की बात होगी, ऐसे याद रखना हार्डवेयर की बात है, हार्डवेयर मतलब इक्विपमेंट। तीसरे पॉइंट में सॉफ्टवेयर की बात है, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन। उसके बाद में एक जनरल पॉइंट आ गया, क्या लोकेशन ऑफ कस्टमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी चारों हो गया तो मतलब डेवलप हो गया, तो उसके बाद एक्सपेंड कर पाएंगे कि नहीं। फिर जनरल पॉइंट है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेस एंड डेटा सिक्योरिटी। तो इसको आप 4-5 बार रीड करोगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। द सॉल्यूशन प्रपोज्ड मे बी प्रोहिबिटिवली कॉस्टली फॉर द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि जो हमारा प्रपोज सिस्टम है वो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटरिंग द स्टॉक थ्रू VSAT नेटवर्क कनेक्टिंग द मल्टीपल लोकेशन मे बी एक्सेप्टेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ लार्जर टर्नओवर, बट इट मे नॉट बी वाइबल सॉल्यूशन फॉर द स्मॉलर वंस। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइबल होना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि जो प्रपोज सिस्टम है वो किसी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइबल ना हो। जैसे कि जो स्टॉक होता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है VSAT। अब इन डिटेल तो इसका डिस्कशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल आइडिया ये है इसका कि जो VSAT होता है सैटेलाइट बेस्ड होता है। मतलब जो हमारे डिफरेंट इन्वेंट्री लोकेशंस हैं उनको सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हाई टर्नओवर वाली होगी उसके लिए तो वायबल होगा, लेकिन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फिजिबल नहीं होगा। तो हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देखनी होती है। नेक्स्ट होती है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इवेल्युएशन ऑफ द ऑल इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड इफ़ द प्रपोज सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड। अगर हमने प्रपोज सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया तो उससे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी होगी, इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कितने होंगे, तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। इसके लिए क्या क्या देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ सिस्टम, फुल सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब हम पूरे सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस स्टेज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, तो उस केस के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर द क्लास ऑफ एप्लीकेशन बीइंग कंसिडर्ड। मतलब जो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमें लगाने पड़ेंगे नए उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। द बेनिफिट इट फ्रॉम द रिड्यूस कॉस्ट एंड फ्यूअर कॉस्टली एरर्स। मतलब कि हमने जब नया प्रपोज सिस्टम लगा दिया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। मतलब हो सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जो प्रपोज सिस्टम है उससे हमारी कॉस्ट कम हो गई। या जो कॉस्टली एरर्स थी, मतलब एरर आने की वजह से उनको सही करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी, वो रिड्यूस हो गई, तो उससे क्या बेनिफिट अराइज हुए। एट द कॉस्ट इफ़ नथिंग चेंजेस। मतलब अगर कुछ चेंज नहीं करते, दैट इज़ द प्रपोज सिस्टम इज़ नॉट डेवलप। अगर प्रपोज सिस्टम डेवलप ना करते तो कितनी कॉस्ट आती। मतलब कॉस्ट के ये सारे, कॉस्ट और बेनिफिट के सारे पॉइंट एनालाइज करके हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। तो फर्स्ट तो इन्वेस्टिगेशन कितनी कॉस्ट आई, दूसरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नए लगाने में कितनी कॉस्ट आएगी, अगर नया सिस्टम न लगाए तो कितनी कॉस्ट आएगी, और नया सिस्टम लगाने से कितनी कॉस्ट रिड्यूस हुई, कॉस्टली एरर रिड्यूस हुई, तो उससे क्या बेनिफिट अराइज हुए। तो ये सब अपन को एनालिस करके और देखना होता है कि क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है इसका सॉफ्टवेयर का। After possible solution options are identified, the analyst should make a primary estimate of the each situation's solutions cost and benefit. Cost and benefit का जो system analyst है वो क्या करेगा कि ये सब analyze करके देखेगा और हर एक system के कितनी cost लगेगी, कितने benefit लगेंगे, उसको एक पूरा एक overview मिल जाएगा। Next आता है schedule and time feasibility। In simple word मैं ये बोलूँ कि जैसे अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं शेड्यूल और टाइम फिजिबिलिटी। मतलब वो टाइम के हिसाब से भी फिजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो नया सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में कोई 16 साल लग जाए, तो उस केस के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वो काम नहीं करेगी ढंग से। तो जो मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखेगा, क्योंकि उसको विद इन टाइम वो सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है तो मतलब वो टाइमली फिजिबल नहीं है। शेड्यूल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व द डिज़ाइन टीम्स एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम अ न्यू और रिवाइज सिस्टम टू बिकम ऑपरेशनल एंड कम्युनिकेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द स्टीयरिंग कमेटी। ये बोल रहा है कि जो सिस्टम डिज़ाइनर है वो एस्टिमेट लगाएगा कि नया सिस्टम या रिवाइज सिस्टम डेवलप होने में, ऑपरेशन में आने में कितना टाइम लेगा, फिर उस टाइम को वो कम्युनिकेट करेगा स्टीयरिंग कमेटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डिज़ाइन टीम प्रोजेक्ट दैट इट विल टेक द 16 मंथ फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन टू बिकम फुल्ली फंक्शनल, द स्टीयरिंग कमिटी मे रिजेक्ट द प्रपोजल इन फेवर ऑफ सिंपलर ऑल्टरनेटिव दैट कंपनी कैन इम्प्लीमेंट अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये बोल रहे हैं कि अगर
अगर जो हमारी सिस्टम डिज़ाइनर है उन्होंने बोल दिया कि 16 महीने लग जाएंगे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में स्टीयरिंग कमेटी को, तो स्टीयरिंग कमेटी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और सिंपलर ऑल्टरनेटिव देखेगी जो कम टाइम के अंदर तैयार हो जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट आता है रिसोर्स फिजिबिलिटी। दिस फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का होना भी जरूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे तो उस केस के अंदर नया सिस्टम तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास नो हाउ नहीं है उस सिस्टम को अप्लाई करने का, स्किल्ड पर्सनल होने जरूरी है। तो किसी भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर को, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस लोकेशन पर स्किल्ड पर्सनल होने जरूरी है ताकि वो उस सिस्टम को समझ पाए। अगर हमारे पास नो हाउ नहीं है और स्किल्ड पर्सनल नहीं है तो हमने सिस्टम डेवलप भी कर लिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रिसोर्स फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उतने ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इट इज़ कंसर्न्ड विद असर्टेनिंग द व्यू ऑफ वर्कर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी। इसके अंदर जो हमें वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं और जो सप्लायर्स हैं उन सब के व्यू को जानना होता है, मतलब कि ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमने सिस्टम डेवलप तो कर लिया लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहा ढंग से, मतलब कस्टमर उसमें कुछ कस्टमर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे या फिर जो स्टेक होल्डर्स उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर उसकी सिस्टम डेवलपमेंट का कोई पर्पज़ नहीं रह जाता, मतलब कि उसको ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए। इज़ द सफिशेंट सपोर्ट फॉर दिस सिस्टम फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड फ्रॉम यूज़र। सफिशेंट सपोर्ट होना चाहिए यूज़र का, मैनेजमेंट का, तभी वो ऑपरेशनली फिजिबल होगा। नेक्स्ट इज़ करंट बिजनेस मेथड एक्सेप्टेबल बाय द यूज़र्स। जो करंट बिजनेस मेथड्स हैं, जो बिजनेस यूज़ कर रहा है तो यूज़र्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। हैव द यूज़र बीन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो यूज़र है वो किसी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग में और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है क्या? अगर वो इन्वॉल्व होंगे तब अपनी वो एडवाइस दे पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम प्रिपेयर हो पाएगा, तो वो ऑपरेशन भी इफेक्टिवली करेगा क्योंकि इन यूज़र्स को पता होता है कि उसको कौन कौन सा सपोर्ट नीडेड है। नेक्स्ट इज़ विल द प्रपोज सिस्टम कॉज हार्म। मतलब जो प्रपोज सिस्टम है वो कोई हार्म तो कॉज नहीं करेगा। हार्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा या फिर कोई इम्प्रॉपर रिजल्ट्स, पुअर रिजल्ट्स तो नहीं होंगे उससे, या फिर इंफॉर्मेशन लॉस तो नहीं हो जाएगी, मतलब ऑपरेशन उसका गलत तरीके से हार्मफुल तो नहीं होगा, ये देखना होता है। नेक्स्ट इज विल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बी पुअर इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन देन बिफोर। मतलब कि अगर हमने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसकी वजह से कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो पुअर तो नहीं हो जाएगी पहले से, तो ये भी देखना होता है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बिहेवियर फिजिबिलिटी का मतलब होता है हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद द अदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो उस केस के अंदर इंट्रैक्शन है वो प्रॉपर है नहीं, ये देखना होता है। इट रेफर्स टू द सिस्टम विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट। ऐसा सिस्टम जो डेटा को प्रोसेस करके डिज़ायर्ड आउटपुट देता है उसके लिए ये बिहेवियर फिजिबिलिटी का होना जरूरी है। However, if the data input for the system is not readily available or collectible, then the system may not be successful. ये बोल रहा है कि जैसे दो सिस्टम है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट है, तो अगर वो पहले वाला सिस्टम वो इनपुट ही प्रोवाइड नहीं करेगा, रेडिली अवेलेबल नहीं करवाएगा, तो दूसरा सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये भी एस्पेक्ट होता है। तो बिहेवियर फिजिबल भी होना चाहिए। अगला आता है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी इज़ हाईली कंसर्न्ड विद वेदर देयर इज़ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यूली प्रपोज सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमने नया सिस्टम डेवलप कर लिया तो उससे कोई लीगल लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशन तो अराइज नहीं हो जाएंगे, ये देखना होता है। एनी सिस्टम विच इज़ लाइबल टू वॉयलेट द लोकल लीगल रिक्वायरमेंट शुड बी रिजेक्टेड। मतलब ऐसा कोई सिस्टम जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है, लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उनको वॉयलेट करता है तो उस केस के अंदर उस सिस्टम को रिजेक्ट कर देना चाहिए। एनी सिस्टम विच इज़ लाइबल टू वॉयलेट, फॉर एग्जाम्पल द रिवाइज सिस्टम शुड कम्प्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी सिस्टम है उसको सारे जो लॉ लीगल है उसको फॉलो करना चाहिए, एंड इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, एज वेल एज कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्लिगेशंस डिसाइड हुई है तो वो भी उसको फॉलो करना चाहिए, तो लीगली फिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फिजिबिलिटी स्टडी भी हमारी कंप्लीट होती है।
अब इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का लास्ट पॉइंट आता है, रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। आफ्टर द एनालिस्ट आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम डिफाइंस द सेम अलॉन्ग विद द स्कोप ही और शी प्रोवाइड वन और मोर सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव एंड एस्टिमेट्स अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड रिपोर्ट दीज रिजल्ट टू द मैनेजमेंट। अब सिस्टम एनालिस्ट ने यहाँ तक क्या किया, उसने देखा प्रॉब्लम्स कौन सी है, उसकी सॉल्यूशंस क्या है, वो फिजिबिलिटी कितनी है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, तो उसको हर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट और बेनिफिट पता लग गए, तो ये सारी चीज़ें वो एक रिपोर्ट बनाकर और मैनेजमेंट को देगा। द रिपोर्ट शुड बी एकम्पनीड बाई द शॉर्ट कवरिंग लेटर ऑफ इंटेंट एंड समराइज द रिजल्ट एंड मेक्स द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोसीजर। अब जो वो रिपोर्ट बनाकर देगा तो उसके अंदर वो क्या करेगा कि एक लेटर लगाएगा जिसमें खुद का इंटेंट क्या है, मतलब सिस्टम एनालिस्ट है उसको प्रपोज सिस्टम में से कौन सा सिस्टम लगता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, वो उसको बनाकर देगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा वो मैनेजमेंट को। फॉर द एनालिस्ट रिपोर्ट द मैनेजमेंट शुड डिटरमाइन व्हाट टू डू द नेक्स्ट। जब एनालिस्ट की रिपोर्ट मैनेजमेंट को मिल जाएगी तो जो मैनेजमेंट है वो अल्टीमेट जो अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की वो मैनेजमेंट के पास होती है, तो मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा नॉट ऑल प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर द इवेल्यूएशन एंड रिव्यू मे बी गेट एक्सेप्टेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सिस्टम एनालिस्ट ने सारे प्रोजेक्ट सबमिट किए वो सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाए, मैनेजमेंट खुद के बेसिस पर देखेगा कि कौन से एक्सेप्ट होने चाहिए, रिपोर्ट के बेसिस पर देखेगा। रिक्वेस्ट दैट फेल्स टू पास द फिजिबिलिटी टेस्ट आर नॉट परस्यूड फर्दर अनलेस दे आर रिवर्कड और रीसबमिटेड एज न्यू प्रपोजल। ये बोल रहा है कि जो फिजिबिलिटी स्टडी में अगर कोई प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया, मतलब फिजिबल नहीं है, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर कुछ हमें रिवर्क करना पड़ेगा ताकि हम उसको फिजिबल बना सकें, फिर रिवर्क करके और वापस से उसके लिए प्रपोजल सबमिट होगा। इन सम केसेज ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वर्केबल एंड स्टीयरिंग कमिटी में डिसाइड टू कम्बाइन द वर्केबल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद द फिजिबल अनदर फिजिबल प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसने बहुत सारे, उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट है जिसका एक पार्ट अनवर्केबल है, बाकी सारे जो हैं वो ठीक ठाक हैं, तो उस केस के अंदर जो स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी कि जो वर्केबल पार्ट होगा इसको अदर किसी फिजिबल पार्ट के साथ में मिला करके और कोई प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है, मतलब दो प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बना सकती है। इन सर्टेन अदर केसेस द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन produce the information to suggest that improvement in the management and supervision and not the development of information system are actual solution to be reported problems। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी सॉल्यूशन का जो रिजल्ट आता है उससे ये पता लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने से जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, हमें कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंपनी का मैनेजमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका कंक्लूजन ये भी निकल सकता है, तो उस केस के अंदर हम कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, ना कि जो नया सिस्टम है वो डेवलप करेंगे, तो मैनेजमेंट और सुपरविजन में इम्प्रूव करेंगे उस केस के अंदर। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट। मैनेजमेंट इंप्लीमेंट्स द प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल फॉर द कंपनी। ये बोल रहा है कंपनी को प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाने होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अंडर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना। इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स नीड टू बी वेल इन प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उस केस के अंदर इंटरनल कंट्रोल है वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि हम उसको इफेक्टिवली डेवलप कर पाए। इन सिस्टम दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट द प्लेस कंट्रोल पोस्ट डेवलपमेंट। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज कंट्रोल शैल हैव टू अचीव द अबाउ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ये बोल रहा है कि जब हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जब हम डेवलप कर रहे हैं उसी के टाइम हमें इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होगा कि उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है तो उस केस में हम सिस्टम को भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो अच्छे से जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको मेंटेन करें। फॉर वैलिडेटिंग द कंट्रोल एस्पेक्ट इन अ सिस्टम एंटिटी मे हैव अ इंटरनल ऑडिट टीम। मतलब इंटरनल ऑडिट टीम हो सकती है जो वैलिडिटी को चेक करेगी कंट्रोल्स की, मतलब वैलिड है कि नहीं। टू लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंगेज द आउटसाइड एक्सपर्ट फॉर द सेम। मतलब अगर कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती है वो कोई अपना आउटसाइड एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकती है देखने के लिए कि जो इंटरनल कंट्रोल है कि प्रॉपर है या नहीं। टू चेक द कंट्रोल इंटरनली और थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटर डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ एंटिटीज ऑफ द
business. The same is also depend on the management attitude review of the external consultant in the more independent. ये बोल रहा है सिस्टम को हमें इंटरनली चेक करना है या एक्सपर्ट को अपॉइंट करना है जो आउटसाइडर होगा, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहले तो हमें एंटिटी का साइज देखना होगा, साइज बहुत बड़ा है तो उस केस के अंदर एक्सटर्नल को अपॉइंट करना सही रहता है. इसके अलावा मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है उसको लेके, और जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट है वो किस तरीके से रिव्यू करता है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. लेकिन जो ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट होगा इसकी ये मोर इंडिपेंडेंट व्यू दे पाएगा, क्योंकि इंटरनल बंदा नहीं है तो एक्सटर्नल पार्टी है. एक्सटर्नल कंसल्टेंट में ब्रिंग हर एक्सपर्टीज टू द एंटिटी, वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ कर सकता है. द फ्लिप साइड इज़ दैट द एक्सटर्नल कंसल्टेंट मे बी कॉस्टली, सीक्रेसी इज ऑल्सो फैक्टर टू कंसिडर. मतलब एक्सटर्नल जो ये कंसल्टेंट होगा ये इंडिपेंडेंट व्यू देगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सीक्रेसी नहीं रहेगी. मतलब कोई हो सकता है कुछ भी हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसका डिस्क्लोजर हो जाए, या फिर इसके अलावा जो ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट होता है वो कॉस्टली होता है अपॉइंट करना. However, key control queries regarding the various aspects states as the following. तो हमें क्या क्या देखना होता है कंट्रोल क्वेरीज से, कौन कौन सी कंट्रोल क्वेरीज करके हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है. वेदर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज प्रॉपर, मतलब जो डिफाइन की थी प्रॉब्लम की हमारी ये प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग वो प्रॉपर है या नहीं. वेदर और फिजिबिलिटी स्टडीज हैव बीन प्रॉपरली डन, सारी फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉपरली डन हो गई. वेदर रिजल्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी डॉक्यूमेंटेड, एंड वेदर द मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिट रिफ्लेक्ट द आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी डन. मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो हमने प्रॉपरली कंडक्ट कर ली, इसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी के जो रिजल्ट आए उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिट, जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट की रिफ्लेक्ट द आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज डन, वो जो फिजिबिलिटी स्टडी का आउटकम आया वो मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिट कर दी या नहीं, तो हमें ये सब देखना होता है. तो यहाँ पर हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है. फ्रेंड्स बहुत इजी लैंग्वेज में कवर कराने की मैंने कोशिश की, अब एक बार इसको इसके पॉइंट्स हम एक बार वापस से देख लेते हैं. तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के 5 पार्ट्स हो गए. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डेलिग्नेशन ऑफ स्कोप, फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप बाय मैनेजमेंट थ्रू फिजिबिलिटी स्टडी. आइडेंटिफिकेशन स्क्वायर है ऑफ स्कोप बाय मैनेजमेंट थ्रू फिजिबिलिटी स्टडी. आइडेंटिफिकेशन से हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. स्कोप से हो गया डेलिग्नेशन ऑफ द स्कोप, एंड फिजिबिलिटी स्टडी से हो गया फिजिबिलिटी स्टडी, एंड मैनेजमेंट से हो गया रिपोर्ट टू मैनेजमेंट. फिर डेलिग्नेशन ऑफ स्कोप के 3 पॉइंट है, क्वेश्चंस टू बी आंसर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर, एंड टू प्राइमरी मेथड. टू प्राइमरी मेथड्स कौन कौन से हुए, एक तो ये रिव्यू ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, एक कंडक्टेड इन द इंटरव्यूज. फैक्टर्स हमें क्या क्या देखने होते हैं, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट ओपिनियन होती है. फिर 3 इम्पैक्ट देखने होते हैं, इकोनॉमिकल, क्वालिटेटिव एंड स्ट्रक्चर और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा. फिर क्वेश्चन टू भी आस्क में क्या था, सबसे पहले हमें फंक्शनलिटी क्या चाहिए उसके बेसिस पर हमें डेटा प्रिपेयर करना होता है. डेटा जब प्रिपेयर करिए तो उस पर कंट्रोल लगाने की जरूरत होती है, कंट्रोल लगाने से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी कुछ कंस्ट्रेंट रह सकते हैं, तो उन कंस्ट्रेंट को सही करने के लिए हमें इंटरफेस लगाने पड़ेंगे, इससे हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो रिलायबल हो जाएगा. नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी के कुछ पॉइंट्स थे, उसके लिए मेमोरी टेक्निक थी. राखी के बॉयफ्रेंड को उसके मेकअप की वजह, कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिकल लॉस हुआ, तो राखी से हो गया रिसोर्सेज. बॉयफ्रेंड का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बॉयफ्रेंड होता फाइनेंस के लिए, और इकोनॉमिकल से हो गया इकोनॉमिकल लॉस, एस से लीगल, ओ से ऑपरेशनल, एस से शेड्यूल, एंड टी से टेक्निकल. तो इस तरीके से हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट किया. तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ आया तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में.